तहसील भोगांव क्षेत्र की रहने वाली एक पीड़ित महिला जिला मुख्यालय पहुंची और यहां उसने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए उसके घर को जाने वाले रास्ते को रोक देने जाने का आरोप लगाया है और एक शिकायती पत्र भी दिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद यही वह पीड़िता है जिसका नाम निर्मला देवी पत्नी बेदराम निवासी सिपालपुर थाना व तहसील भोगांव है। पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर एक शिकायती पत्र दिया है जिसमें बताया है कि पीड़ित महिला के मकान तक आने जाने के लिए काफी पुराना रास्ता था जिससे होकर पीड़ित व उसके परिवार के सदस्य निकलते थे। अब उस रास्ते से अन्य किसी का कोई सरोकार वास्ता नहीं है, लेकिन दबंग किस्म के भूमाफिया श्याम सिंह पुत्र सोनेलाल निवासी सिपालपुर द्वारा रास्ते को बंद किया जा रहा है। भूमाफिया द्वारा जबरन रास्ते पर दीवार लगा दी गई है जिससे पीड़ित को अपने मकान तक आने जाने में भारी समस्याएं हो रही हैं। पीड़ित के द्वारा उक्त लोगों को गलत तरीके से मकान को जाने वाले रास्ते पर लगाई गई रोक को हटाने के लिए कहा गया तो उक्त दबंग लोग उससे झगड़ा करने पर उतारू हो गए और उसे धमकियां भी दी। पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए उक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है और क्या कुछ बताया ये जरा आप भी सुनिए। आपका क्या नाम है? कहाँ की रहने वाली हैं आप? क्या आप SP कार्यालय आई हैं? किस संबंध में आई हैं? क्या समस्या है? मेरी जो रास्ता है पर्सनल, तो उस रास्ता पर इनने, हम घर पे थे नहीं, इनने दीवार लगा के खड़ी कर दी और जो मतलब सरकारी नाली और दड़े हैं सोजे कब्जा करे हुए हैंगे, उनमें पानी का दंडल भरे हुए हैं तो बूझे जाम करे हुए नाली घेरे हुए हैं और हमारी जो पर्सनल रास्ता है बापा इनने दीवार खड़ी कर दी, मेरे कब्जा करना चाहते हैं। कौन लोग हैं ये, क्या नाम इनके? इनका नाम है श्याम सिंह फौजी। कहाँ के रहने वाले? गांव के ही आपके? हाँ, सिपालपुर के। फिर आपने किसी कंप्लेन नहीं करी थी कोतवाली चौकी में? इनने हमको मारने की धमकी दी, मेरे घर पे आए चढ़ के मारने के लिए कि अगर चौकी जाओगे कहीं अगर शिकायत करोगे तो हम तुमको मारेंगे, मारपीट करेंगे। हम तो 3 दिन से निकले हुए हैं, घर पे गए ही नहीं, जिनने हमें घर में घुसने नहीं दिया, चारा और रास्ता चारों बंद कर दी। केवल वही लोग हैं और कोई भी है? नहीं, केवल श्याम सिंह फौजी।